देखिए भारत एट नाइन कावेंद्र चौहान के साथ। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू भारत एट नाइन व्यूअर्स, माय नेम इज कावेंद्र चौहान एंड आई एम प्रिविलेज्ड क्योंकि हर 24 घंटे के बाद मेरे पास 24 मिनट होते हैं आपसे बात करने के लिए। तो दर्शकों, देश के 29 राज्यों और 7 यूनियन टेरिटरीज में 22 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं और 137 करोड़ लोग इस देश में रहते हैं। और इतने विशालकाय देश में, इतने विशालकाय नेशन में नेशनल मीडिया का ताज पहने बैठे हैं नोएडा फिल्म सिटी के 7 से 8 चैनल, जो केरला से 2593 किलोमीटर दूर है, गुजरात से 1103 किलोमीटर दूर, अरुणाचल प्रदेश से 2462 किलोमीटर और जम्मू कश्मीर से 643 किलोमीटर दूर है। और इनके लिए न्यूज क्या है? तो दर्शकों, इनके लिए न्यूज है कि चीन के हाथों बिक चुके पाकिस्तान को कश्मीर चाहिए और पाई पाई के मोहताज कंगाल पाकिस्तान में पीएम आवास को भाड़े पर चढ़ाना पड़ रहा है कुछ पैसे जुटाने के लिए। सिंगर हनी सिंह पर उसकी पत्नी ने हिंसा करने का आरोप लगाया है। रैप स्टार हनी सिंह तक कानून का नोटिस पहुंचा है और संसद के बाहर कांग्रेस सांसद और हरसिमरत कौर बादल किसानों को लेकर लड़ रहे हैं। आई मीन व्यूअर्स, दोनों खुद को किसानों का सच्चा प्रेमी बता रहे हैं। कांग्रेस के नेता कहते हैं हरसिमरत ड्रामा कर रही है और हरसिमरत कहती है कांग्रेस ड्रामा कर रही है, लेकिन मैं बताता हूं ये सब ड्रामा कर रहे हैं और ड्रामा कर रही है नोएडा की मीडिया, क्योंकि वो ये सब न्यूज आपको बता रहे हैं लेकिन मैं आपको बताता हूं कि उनके लिए क्या न्यूज नहीं है। तो उनके लिए न्यूज ये नहीं है कि देश की सो कॉल्ड नेशनल मीडिया के दफ्तरों से चंद किलोमीटर दूर दिल्ली के नागलगांव में अपनी मां के लिए पानी लेने गई एक 9 साल की मासूम बच्ची के साथ एक 55 साल के हैवान बलात्कार करता है और फिर उसको जलाकर मार देता है। और जब उसकी मां वहां पहुंचती है तो वो रेपिस्ट उससे कहता है, एंड आई कोट विद अपमोस्ट शेम, वो कहता है कि चिल्लाओ नहीं, शोर मत मचाओ, जो होना था वो हो गया, अब क्यों चिल्ला रही हो। दर्शकों, ये आज की सबसे बड़ी खबर होनी चाहिए। ये खबर इसलिए बड़ी होनी चाहिए कि हम भारतवासी आज कहां खड़े हैं, वेयर वी स्टैंड, जहां डायपर पहनने वाली एक मासूम बच्ची से लेकर साड़ी या बुर्का पहनने वाली एक महिला कोई सुरक्षित नहीं है। ये दरिंदे की आंखें आपको हर लिबास में बेलिबास ही देखती हैं। ये मसला दरिंदों का है एंड आई वॉन्ट टू मेक इट वेरी क्लियर कि मैं और मेरा चैनल न्यूज वर्ल्ड इंडिया न्यूज नेटवर्क रेपिस्ट को मौत की सजा मिलनी चाहिए ऐसा इंडोर्स करते हैं। बाकी यह खबर बिल्कुल भी नॉट अ इंच इसलिए बड़ी होनी चाहिए कि राहुल गांधी या मायावती या चंद्रशेखर रावण या कोई भी नेता उस पीड़ित परिवार से मुलाकात करने गया है, इसलिए यह खबर बड़ी नहीं होनी चाहिए। दर्शकों, आई कांट एक्सप्रेस माई एंगर टुनाइट, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि मैं एक नए जमाने का पत्रकार हूं और मुझे नहीं मालूम कि नेशनल मीडिया के लिए खबर क्या है। मुझे नहीं मालूम कि उन पत्रकारों के लिए खबर क्या है जो अपने एक्सपीरियंस का रौला पीटते रहते हैं कि मुझको आई हैव 20 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, आई हैव 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, दे जस्ट क्रीप ब्रैगिंग अबाउट इट। अगर आपको मिस्टर 20 प्लस एक्सपीरियंस, मिस्टर 30 प्लस एक्सपीरियंस, मिस्टर 35 प्लस एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट, अगर आपको एक्सपीरियंस ये है कि राहुल गांधी उस घर में गए इसलिए यह खबर बड़ी है, हाथरस में प्रियंका गांधी गई थी इसलिए वो खबर बड़ी थी, तो प्लीज अपने एक्सपीरियंस को लेमिनेट करा लीजिए, उसका फोटो फ्रेम बनवा लीजिए, अपने ड्राइंग रूम में लगवा लीजिए, गेस्ट रूम में बड़ा बड़ा दीवार पर लगवा लीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि आज भारत में गुस्से की सुनामी आई। दर्शकों, मुझको बिल्कुल नहीं मालूम कि राष्ट्रवादी पत्रकारिता क्या होती है, मुझको नहीं मालूम कि एंटी मोदी पत्रकारिता क्या होती है, मुझको नहीं मालूम कि राइट या लेफ्ट पत्रकारिता क्या होती है। दर्शकों, आई एम अ जीरो टीआरपी एंकर, आई एम अ जीरो व्यूज वाला एंकर, लेकिन मुझको बस यह पता है कि मेरे जरिए अगर समाज में कोई बदलाव आ सकता है
तो मैं न्यूट्रलिटी की दीवारों के पीछे, न्यूट्रलिटी के नाटक की दीवारों के पीछे छिपकर नहीं बैठ सकता। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर ऐसी घटना घटी है जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है, जिसने देश को शर्मसार कर दिया है। देश में एक बार फिर एक ऐसी घटना घटी है जिससे लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। दिल्ली छावनी के पास पुरानी नांगल में एक शमशान में 9 साल की बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी जाती है और उसका शव को भी जला दिया जाता है। वहीं इस घटना को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों में शमशान घाट का पुजारी भी शामिल है। इन सभी आरोपियों की पहचान 55 वर्षीय पुजारी राधेश्याम, 63 वर्षीय कुलदीप कुमार और 48 वर्षीय लक्ष्मी नारायण और 39 वर्षीय मोहम्मद सलीम के रूप में हुई है। मतलब अगर सबकी उम्र पर गौर किया जाए तो ये सवाल हर किसी को अंदर तक झकझोर कर रख देगा कि अधेड़ उम्र के 4 लोग कैसे एक मासूम बच्ची के साथ इस तरह की घिनौनी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। क्या इंसानियत इतनी बीमार हो चुकी है? क्या उन हैवानों को उस वक्त अपनी बच्चियों, अपनी पोतियों का चेहरा याद नहीं आया? अब जब वो दरिंदे उस बच्ची के साथ उस घिनौनी वारदात को अंजाम दे रहे थे, अगर देश में ऐसे लोग मौजूद हैं तो लड़कियां कभी सुरक्षित नहीं हो सकती। हमें उम्मीद छोड़ देनी चाहिए कि भारत कभी एक ऐसा देश बन सकता है जहां लड़कियां आजादी से सांस ले पाएंगी, जहां बेटियां बिना घबराहट, बिना किसी संकोच के कभी भी आ जा पाएंगी और जहां लोग लड़कियों को एक लड़की से पहले एक इंसान के रूप में देखेंगे। आप 2 मिनट के लिए उस बदकिस्मत जात के बारे में सोचिए जो बेचारी न घर में सुरक्षित है, न स्कूल में, जो न सड़क पर सुरक्षित है और न चलती बस में, जो न खुशी खुशी खेल सकती है न खुशी खुशी खुश हो सकती है। क्योंकि अगर वो बेचारी खुलकर हंस भी देती है तो हमारे आसपास घूम रहे संस्कार संस्था के कुछ प्रवक्ता ज्ञान देने लगते हैं कि लड़की जात हो हाव भाव संभाल के चलो, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। इन ज्ञानी महात्माओं से कोई ये पूछे कि ये लोग हैं कौन जिन्हें एक लड़की के हंसने के तरीके से भी दिक्कत हो जाती है। दरअसल ये खुद ही हैं जो लोग शब्द की आड़ में छिपकर अपनी ही मानसिकता को समाज पर थोपते आ रहे हैं। वहीं जब हमने बच्ची के परिवार के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की तो पता चला कि पीड़ित परिवार राजस्थान के भरतपुर का रहने वाला है, जो रोजगार की तलाश में दिल्ली आया था, लेकिन रोजगार न मिलने की वजह से कूड़ा कबाड़ बीन कर घर का गुजारा करने लगा था। बच्ची के पिता ने बताया था कि पहले भी कई बार उनकी बेटी शमशान घाट में पानी भरने के लिए जाती थी, इसीलिए हमें कभी लगा ही नहीं कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि मेरी एक ही औलाद थी, आखिरी बार उसका चेहरा तक देखने के लिए नहीं दिया गया। बच्ची के पिता बताते हैं कि रविवार शाम 5:30 बजे उनकी बेटी शमशान घाट में पानी लेने गई थी, जिसके बाद वो कभी वापस नहीं आई। आई तो बस एक खबर जो पंडित ने कुछ लोगों को भेजकर मेरी पत्नी को बताई। बच्ची के पिता बताते हैं कि पंडित ने मेरी पत्नी को बुलाया और बताया कि तुम्हारी बेटी अब नहीं रही। जब पूछा कि क्या हुआ तो पंडित ने कहा कि वाटर कूलर में करंट आने की वजह से उसकी मौत हो गई है। पंडित ने कहा कि पुलिस और डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर बच्ची का अंतिम संस्कार कर देते हैं और एक कागज पर दस्तखत करने को कहने लगे। पंडित ने मेरी पत्नी को समझाने की बहुत कोशिश की पर जब उसने इनकार कर दिया तो उन्होंने जबरदस्ती ही मेरी बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया। बच्ची की मां ने बताया कि मेरी बेटी शमशान से पानी लेने गई थी, पुजारी ने मुझे क्षण भर के लिए भी उसका शव दिखाया, उसके होंठ नीले थे, पुजारी ने हमारी मर्जी के बगैर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। पुजारी झूठ बोल रहे हैं कि बच्ची को करंट लगा था, पुजारी ने उसके साथ बलात्कार किया है। हमारे समुदाय के लोगों ने जलती चिता को बुझाया और मेरी बेटी की लाश को पांव पकड़कर उसे बाहर खींचा। हमें उसके लिए न्याय चाहिए और आरोपी को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वहीं अब इस पूरे मामले में शुरुआत में पुलिस ने लापरवाही से मौत, सबूत मिटाने और परिजनों को बिना बताए शव का अंतिम संस्कार जैसे मामलों में मुकदमा दर्ज किया था, पर सोमवार शाम को मामले में SC/ST कमीशन के साथ हुई मीटिंग के बाद पुलिस ने गैंगरेप, हत्या, पॉक्सो, SC/ST एक्ट और जान से मारने की धमकी देने समेत कई धाराएं भी जोड़ दी है।
जब शव के पैरों के रूप में बचे हिस्सों का पोस्टमार्टम करा गया तो पोस्टमार्टम से भी कुछ पता नहीं चल पाया। उससे भी ये साफ नहीं हो सका कि बच्ची की मौत करंट लगने से हुई या नहीं। इस बीच पुलिस ने अब वाटर कूलर को फॉरेंसिक जांच के लिए FSL लैब भेजा है, जिसके बारे में दावा किया गया था कि इसी से बच्ची को करंट लगा था। लैब में जांच से पता चल सकेगा कि इस कूलर में करंट आ रहा था या नहीं। हालांकि जानकारों का मानना है कि अगर पुलिस ने घटना के फौरन बाद ही उसकी जांच करा ली होती तो उसी वक्त पता चल जाता कि कूलर में करंट आ रहा है या नहीं। इस बीच क्राइम सीन से फॉरेंसिक टीम ने भी कुछ सैंपल भी कलेक्ट किए हैं। लड़की के पिता ने बताया कि घटना के वक्त मैं बाजार में था, मुझे इसके बारे में शाम करीब 7:30 बजे पता चला। जब उसका शव जल रहा था तो आसपास के इलाके के एक व्यक्ति ने मेरी पिटाई की और पुलिस में शिकायत नहीं करने को कहा। उसने मुझसे 20,000 रुपए की भी पेशकश की लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मुझे संदेह है कि पुजारी ने उस व्यक्ति को घटना के बारे में बताया होगा। हमारी सिर्फ एक मांग है कि दोषी को फांसी दी जाए। वहीं अब स्थानीय लोग पुलिस जांच के तौर तरीके और उनके रवैये से आक्रोशित हैं। आरोप है कि पुलिस ने अभियुक्तों के बयान से ही अहमियत देते हुए हल्की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया था। इनमें लापरवाही से हुई मौत, सबूत मिटाना, SC ST एक्ट और परिवार वालों को बताए बिना ही शव जला देने की धाराएं लगाई गई थी। बाद में जब आयोग ने दखल दिया तब पुलिस ने यूटर्न लेते हुए गैंगरेप, हत्या और पॉक्सो एक्ट जैसी धाराएं जोड़ी। वहीं अब इस पूरे मामले ने राजनीतिक दखलअंदाजी की शुरुआत भी हो चुकी है। आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार के लिए इंसाफ मांगा है तो अरविंद केजरीवाल ने पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। इससे पहले कई अन्य नेतागण भी पीड़ित परिवार से मुलाकात कर सांत्वना दे चुके हैं। की ये घटना है, किसकी जिम्मेदारी आप मानते हैं? जिस तरीके से छोटी बच्ची के साथ बर्बरता हुई है, देखिए मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि मेरा काम इसकी मदद करने का। अब ऐसे में सवाल उठता है कि देश में ये सब कब तक चलेगा? कब तक हम यूं ही एकजुट होने के लिए किसी वारदात के घटने का इंतजार करते रहेंगे? कब तक नेता पीड़ित परिवारों को सांत्वना देकर अपना पल्ला झाड़ते रहेंगे? कब तक देश में पूज्य मानी जाने वाली बेटियों की अस्मित यूं ही लुटती रहेगी? कब तक? आखिर कब तक? समय आ गया है हम आपको, सरकार को, हम सबको कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, वरना कभी निर्भया, कभी आयशा, कभी सुजैक, कभी जिशा और अब ये कभी हाथरस में, कभी उन्नाव में, कभी कठुआ में तो कभी बदायूं में, कभी हैदराबाद में और अब दिल्ली में, कभी कहीं नाम बदलते रहेंगे, शहर बदलते रहेंगे, राज्य बदलते रहेंगे, पर ये सब यूं ही चलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। सो व्यूअर्स, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम व्यूअर्स, ये कोई पहला मौका नहीं है। मैं कई प्रोग्राम इस टॉपिक पर ऑलरेडी कर चुका हूं। कई बार नेताओं को अपने शब्दों से, अपने वर्ड से झकझोरा, लेकिन फिर वही सब दरिंदगी। दर्शकों, सिर्फ चेहरे और किरदार बदलकर मेरे सामने आ जाते हैं बार बार। आज एक बार फिर मुझे औरतनामा पढ़ना पड़ रहा है, एंड दैट्स डिस्कस्टिंग, क्योंकि अब उस बच्ची को भी दरिंदगी का शिकार होने लगा है। वो बच्ची भी दरिंदगी की शिकार होने लगी है जिसको कुछ नहीं समझता है, शी कांट अंडरस्टैंड एनीथिंग। और व्यूअर्स, माय डियर फेलो व्यूअर्स, उन नेताओं को तुरंत डिस्क्रेडिट करिए जो इस मुद्दे पर भी सियासत करते हैं, और उन लोगों को समाज से बहिष्कार कीजिए जो ऐसा सोचते हैं कि औरत लुट जाए, बर्बाद हो जाए, लेकिन गलती तो उसकी है कि वो घर से क्यों निकलती है, बाहर क्यों जाती है, छोटे कपड़े क्यों पहनती है, क्योंकि हैवान, दर्शकों, हैवान कहीं भी किसी भी शक्ल में मिल सकते हैं। आप बाहर निकलती हैं तो क्या हैवान घर में भी हो सकते हैं? वी हैव सीन, वी हैव रेड, वी हैव इन्फॉर्म्ड यू अबाउट सच न्यूज। एक बात याद रखिए कि आप चाहे बुरके में हो, या फिर जींस टॉप में हो, या फिर साड़ी में हो, या फिर किसी भी लिबास में, दरिंदे की आंखों को आप बेलिबास ही दिखेंगे।
दर्शकों, जो कुछ दिल्ली में हुआ है उसके बाद कुछ नेताओं ने अपनी पर्यटन यात्रा शुरू कर दी है, जैसा कि हम लोगों ने हाथरस में देखा था। हाथरस में इतना बड़ा क्राइम हुआ, उसके बाद बिना पेरेंट्स की अनुमति के प्रशासन ने उसको जला दिया, और अब दिल्ली में रेपिस्ट ने, गैंग ऑफ रेपिस्ट ने यहां भी रेप करने के बाद एक मासूम बच्ची को जला दिया, और फिर सियासत दान इसके पीछे पड़ गए। वो अब एक बार फिर पर्यटन पर निकल चुके हैं, एक बार फिर वो घूम रहे हैं, एक बार फिर से दिल्ली के उस गांव में जहां उस पीड़ित बच्ची के साथ अन्याय हुआ, वहां नेता अपनी फौज लेकर जाने लगे हैं, झूठ के आंसू बहाने लगे हैं, और मगरमच्छ भी शर्मा जाए। ऐसे आंसू बहाते हैं आपके नेता? दर्शकों, मुझको कभी नहीं लगता कि क्या है ये सब। दर्शकों, ये बहुत शर्म की बात है कि भारत में निर्भया केस के बाद एक बदलाव देखा गया, और हमने सोचा कि अब ये बदलाव नई तस्वीर पेश करेगा, लेकिन निर्भया के जाने के आज 9 साल बाद भी हम वहीं खड़े हैं। दैट्स व्हाई आई वांट टू से सॉरी निर्भया, दिल्ली नहीं बदली। हम लोगों ने क्यों वो कोशिशें नहीं की? हम लोगों ने क्यों इंटेंशन में बदलाव नहीं किए? हम लोगों ने क्यों सामाजिक ढांचों में वो बदलाव नहीं किए? हम लोगों ने क्यों एजुकेशन सिस्टम में वो बदलाव नहीं किए कि ये तस्वीर बदले? एक 9 साल की बच्ची शमशान घाट जाती है अपनी मां के लिए पानी लेने के लिए, और वहां पर उसके साथ ये होता है, उसके साथ बलात्कार होता है। उसके बाद जब उसकी मां पहुंचती है तो वहां वो 55 साल का शख्स कहता है कि चिल्लाओ मत, जो होना था हो गया। इन दरिंदों को इतना बल आखिर मिलता कहां से, कहां से? एक और बात दर्शकों, कि ये घटना हमको सीख देती कि हम अभी बहुत पीछे हैं। हम एक और चीज यहां से सीख सकते हैं कि रेप विक्टिम आप इसलिए प्रायोरिटाइज मत करिए कि शी वॉज अ दलित, शी वॉज अ नॉन दलित, शी वॉज अ हिंदू और शी वॉज नॉट अ हिंदू। इट डजेंट मैटर, द थिंग मैटर इज शी इज अ बेटी ऑफ दिस कंट्री, उस देश की बेटी थी, और उसके साथ यह नहीं। वन साइड हम खुश होते हैं कि हमारी देश की बेटियां टोक्यो ओलंपिक्स में परचम लहरा रही हैं, एंड द अदर साइड ये कुछ हो रहा है। हमको तस्वीर बदलनी होगी, क्योंकि इस तस्वीर के सहारे हम ज्यादा दिन तक अपने देश की आधी आबादी को संभाल नहीं सकते। दे आर इक्वल, एंड इफ दे आर इक्वल They can't be oppressed so much कि उनका रेप हो जाता है। अंधेरी रात हो तो रेप का खतरा, सुनसान जगह हो तो रेप का खतरा। कोई अंधेरी सुनसान बिल्डिंग, बनती हुई बिल्डिंग तो रेप का खतरा, मंदिर हो तो रेप का खतरा, मस्जिद हो तो रेप का खतरा, शमशान घाट हो तो रेप का खतरा। देश में कौन सा वो कोना है जहां पर रेप का खतरा नहीं? और अगर हम वो सुरक्षित स्थान नहीं दे सकते तो प्रधानमंत्री को सुरक्षा क्यों दी गई? प्रधानमंत्री को चाहिए कि देश की हर बेटी को वो सुरक्षा मुहैया कराए कि उसके साथ ये घटना ना हो सके। और देश जितने भी ऐसे घटना हुई हैं उन पर जल्द से जल्द ट्रायल कोर्ट उस पर फैसला करे, और दोषी पाए जाने पर सिर्फ
और विद इन अ लिमिटेड टाइम फ्रेम 24 घंटे के अंदर अंदर उन हैवानों उन दरिंदों को फांसी, इससे अलग कुछ नहीं, सिर्फ फांसी, सिर्फ फांसी, इससे कम कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं, इन दरिंदों को सिर्फ फांसी देनी चाहिए, फांसी के अलावा इनके लिए कोई भी पहलू नहीं बचना चाहिए। दर्शकों, रेप्स अगर आप ग्राफ देखेंगे तो दिन ब दिन ये कम होने की बजाय ये वहीं का वहीं है, जबकि हम एज अ सोसाइटी सोचते हैं कि हम नई जनरेशन में आ चुके हैं, हम नई जनरेशन में आ चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं। इस पर बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है, उतनी ही गंभीरता की जरूरत है जितनी गंभीरता हम पॉपुलेशन कंट्रोल पर दिखाते हैं, उतनी ही गंभीरता की जरूरत है जब हम राम मंदिर बनाने की बात करते हैं, उतनी ही गंभीरता की जरूरत है जब हम 370 हटाने की बात करते हैं, उतनी ही गंभीरता की जरूरत है जितना राहुल गांधी गंभीर होकर खुद को प्रधानमंत्री सीट का दावेदार समझते हैं, उतनी ही गंभीरता की जरूरत है जितनी गंभीरता के साथ बाकी तमाम विपक्षी दल अपने आप को सत्ता पर विराजमान होते देखना चाहते हैं, उतनी ही सीरियसनेस की जरूरत, और इस सीरियसनेस के बिना कुछ नहीं हो सकता। हमारे समाज, हमारी सरकारों को भी इस पर सीरियस होने की जरूरत है। फिलहाल के आज के लिए भारत एट नाइन में इतना ही, कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए